SD24 में आपका स्वागत है। मुख्य खबर से पहले एक नजर आज 17 जून की हेडलाइंस पर। FRP का भुगतान नहीं करने वाले कारखानों पर बच्चू कड़ू इन्होंने की कार्रवाई की मांग। लोकसभा सत्र में वीरेंद्र कुमार ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र आज से शुरू। मिर्ची बाबा ने कहा, जल समाधि की अनुमति नहीं मिली तो अन्य त्याग दूंगा। पाकिस्तानी ब्लॉगर और स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद बिलाल खान की हत्या। संसद में जय श्री राम के नारे नहीं, महाराष्ट्र के महिला सांसद नवनीत कौर राणा की मांग। बिहार में गर्मी से 184 मौतें, 30 जून तक स्कूल बंद, धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल में अब डॉक्टरों के बाद शिक्षक भी उतरे रास्ते पर। फर्जी हलफनामे में जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को मिली राहत। वैद्य के महाविद्यालय के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज चर्चा। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के अनुसार असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि MIM अब उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और वेस्ट बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील की जीत और तेलंगाना में कांग्रेस के 12 MLA अब TRS में शामिल हो गए हैं, इसलिए मजलिस वहां सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई है। इस सबसे मजलिस की ताकत बड़ी है। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी से इत्तेहाद की वजह से MIM को वहां भी काफी उम्मीद है। कैडर की डिमांड के बावजूद मजलिस ने दूसरे राज्यों में कदम जल्दबाजी में नहीं रखा, क्योंकि उसे तब वोट काटने का इल्जाम दिया जाता था। मगर लोकसभा में कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियां अलायंस के बावजूद धाराशाही हो गई और अब इसलिए मजलिस ने इन सूबों में दाखिल होने का और चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।